वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट वन पीस की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चादरें ना करते हुए। सबसे पहले हम पेपर पे मार्क करेंगे अपर पार्ट के लिए। तो देख सकते हैं मैंने 7 लिया है, शोल्डर आप 7.5 भी ले सकते हैं। आर्म होल जी मैं ले रही हूँ 7 ही ले रही हूँ, देख सकते हैं। और मेरे चेस्ट जो है मेरा 32 है, तो मैं उसका जो 4 फोल्ड में आती है कैलकुलेट करके वो 8.5 आता है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद लंबाई मैं जो ले रही हूँ 15 ले रही हूँ। 15 लेने के बाद आपका जो भी वेस्ट मेज़र आता है वो आप रख सकते हैं, मेरा 7.5 आया है। इस तरीके से आप एक परफेक्ट ड्रॉ कर ले पेपर पर, जिससे आपका जो फैब्रिक है वो वेस्ट होने से बच जाता है। और आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मैं 1.5 और 1 पे ले रही हूँ। जो मेरा बैक है वो 1.5 पे जाता है, फ्रंट 1 पे जाता है। इस तरीके से आप राउंड तैयार कर लें। और नेक इस पे जो जाएगा वो 5 पे जाएगा। 5 पे आप भी 5 पे ही रखें, जिससे ये परफेक्ट फिट बैठता है। 5 चाहे आपका चेस्ट कोई भी हो, वेस्ट कोई भी हो, पर 5 इज़ परफेक्ट नेक के लिए। तो हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुका है, कटिंग हमारा रेडी है, देख सकते हैं। ये हमारा कटिंग है अपर पार्ट जो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। देख सकते हैं मैंने 2 फैब्रिक लिया है, मैरून एंड ब्लैक नेट। आप नेट ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड में रखने के बाद आप जो पेपर कटिंग किए हैं उसे इस तरीके से रखना है और कट कर लेना है, जिससे आपका जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो वेस्ट होने से बच जाता है। सो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। देख सकते हैं मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों निकल चुका है। इस तरीके से आपको कट करना है। इसके बाद मैं नेट पे भी इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। नेट आप ऑप्शनली में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि नेट लगाने से थोड़े लुक चेंज हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट लुक आता है, इसलिए मैं नेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। सो हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुकी है। सो लोअर पार्ट काटने के लिए आपको फैब्रिक को 2 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लें। देख सकते हैं मैंने 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है। इसके बाद मैं इसे ट्रायंगल शेप में डाल रही हूँ। इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप में रख लेनी है। इसके बाद आपको अपर पार्ट को इस तरीके से रखना है, अगर आपको कमर परफेक्ट नहीं निकलता है तो। उसके बाद थोड़े से नीचे से इसे कट कर लेना है, जिससे आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का कमर सेम निकल आता है। इसके बाद आपको राउंड थोड़ा कट कर लेना है इस तरीके से मेज़र करते हुए। सो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है कट के कटिंग। सो नेट भी मैं इसी तरीके से सेम रख के कट कर ले रही हूँ। सो व्यूअर्स हमारा ऑलमोस्ट कटिंग रेडी हो चुका है। सो देख लिए हमारा ऑलमोस्ट रेडी कट के रेडी हो चुका है। सो व्यूअर्स हमारा कटिंग पोर्शन खत्म हो चुका है। अगर आपको स्टिचिंग पोर्शन देखना है तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। सो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।